नमस्कार जी, अंता के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कटहल की सब्जी। ये आधा किलो कटहल ले लिया है मैंने, इनको धो लिया है अच्छे से। धोने के बाद हम कुकर में डालेंगे 2 गिलास पानी। इसमें डाला है मैंने 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 6-7 काली मिर्च। इनको डालने के बाद जो हमने कटहल धो के रखे हैं वो भी इसमें डाल लेंगे। ये मैंने सारे कटहल इसमें डाल लिए हैं। डालने के बाद इसको एक बार चला लेंगे। चलाने के बाद कुकर का ढक्कन बंद करके इसमें 1 सीटी आने देंगे। ये देखिए, सीटी आने के बाद मैंने इन सबको पानी से बाहर निकाल लिया है और इनको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। आइए तड़के की तैयारी करते हैं। इस यहाँ मैंने लिए हैं 2 बड़े प्याज, 2 बड़े टमाटर और 6-7 लहसुन की कलियाँ। गैस पे रख दिया मैंने कढ़ाई और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। आप हो सके जहाँ तक सरसों के तेल में ही इसको बनाइएगा। जैसे सरसों का तेल गर्म हो जाएगा, हमने जो कटहल रखे हैं पानी से निकाल के उसको हम इसमें फ्राई करेंगे। ये देखिए, मैंने इसमें कटहल डाल दिए हैं। 1 मिनट के लिए इसमें छोड़ देंगे। जैसे 1 मिनट हो जाएगा, इसको हम दूसरी साइड से भी 1 मिनट के लिए सेक लेंगे। देखिए 1 मिनट हो चुका है, अब मैं इनको पलट लूँगी दूसरी साइड के लिए। ये दूसरी साइड भी हो चुका है। आइए इन सबको निकाल लेते हैं। ऐसे करते हम सारे कटहल को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सारे कटहल को फ्राई कर लिया है। अब हम उसी कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच जीरा, छोटी सी दालचीनी और 6-7 काली मिर्च और यहाँ मैं लहसुन की कलियाँ डाल दूँगी 6-7। लहसुन की कलियों को अच्छे से थोड़ा सा भूनने देंगे ताकि लहसुन का फ्लेवर तेल में आ जाए। इसको एक बार चला लेंगे। अब यहाँ डाल देंगे हम प्याज। प्याज डालने के बाद प्याज को चला लेंगे। अब यहाँ डालूँगी मैं टमाटर। टमाटर को भी इसमें चलाते हुए भून लेंगे। जैसे 1 मिनट हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इनको भी मिक्स कर लेंगे इसमें। तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से और दबाते हुए इसको भूनते रहेंगे। चलाने के बाद हम इसको ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, आइए चेक करते हैं। ये देखिए, टमाटर प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। एक बार चला लेंगे। चलाने के बाद इसमें डालेंगे हम मसाले। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक स्वाद अनुसार, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच से कम थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च और 1/2 चम्मच से कम हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हमने उबालते समय भी डाला था, इसलिए हल्दी पाउडर का इस्तेमाल हम थोड़ा कम करेंगे। इन सब को भी अच्छे से भून लेंगे। ऐसे दबाते हुए इसको जितनी बार भी आप चलाएंगे इसको दबाते हुए भून लेंगे, क्योंकि जो लहसुन की हमने कलियां डाली थी उनको अच्छे से इसमें मैश कर लेंगे थोड़ा थोड़ा। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी मसाले को भूनने के लिए। दबाते हुए चलाते रहिए। पानी डालने के बाद अब इसको हम ढक के छोड़ देंगे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। देखिए, तेल पूरा ऊपर आ चुका है और प्याज भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम इनको दबाते हुए चला लेंगे। प्याज को अच्छे से इसमें गलाना है। अभी आपको इसमें दिख रहे होंगे टमाटर की खड़ी कलियाँ हैं, इनको दबाते हुए अच्छे से इसको मैश कर लेंगे सारा।
मसाला अच्छे से भुन चुका है, देखिए तेल भी साइडों में आ चुका है। अब यहाँ पे हम डालेंगे जो हमने कटहल फ्राई करके रखे हैं, उनको हम इसमें डाल के अच्छे से कटहल में सारे मसाले को मिला लेंगे। सारे कटहल डाल लिया इसमें, अब इसको चला लेंगे। सारा कटहल और मसाला आपस में मिक्स हो चुके हैं, अब यहाँ पे हम पानी डालेंगे। मैं यहाँ एक गिलास पानी डाल रही हूँ। अभी पानी डालने के बाद एक बार फिर से इसको चलाएंगे। यहाँ मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा है, मैं आधा गिलास और पानी डालूँगी। पानी डालने के बाद जैसे इसमें इसमें उबाल आ जाए, हम ढक्कन लगा के 5 से 6 मिनट के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पे। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए पानी काफ़ी सूख चुका है। इसके बाद हम ऊपर से डालेंगे इसमें 1 चम्मच गरम मसाला। ये 1 चम्मच गरम मसाला है। गरम मसाला डालने के बाद हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद एक बार इसको चला लेंगे और सब्जी हमारी बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, आइए इसको सर्व करते हैं। ये देखिए हमारी कटहल की सब्जी बिल्कुल तैयार है। कटहल बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं। आप इसको पूड़ी, पराठे या चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।